जी आज पूरे दिन निकलो और मारा नहीं फिरी आपने कभी दुख नहीं लागे कहीं ठाकुरी कभी याद नहीं आवे कहीं अरे वो कितना सुख से रखता है देविया कभी वो भूखा नहीं रखे कभी वो प्यासा नहीं रखे अरे कठे भी जाओ वो आपकी रक्षा करे अरे विनय छोड़ और इंद्रनाथमान दुनिया रो विश्वास सेवा सभी करो मैं नहीं क्यों आप सेवा नहीं करो मैं भी सेवा करो हमारा आश्रम में कोई आई जानी तो मेरे भगवान भी बढ़कर पुरुष लगता है लेकिन विनय भी कभी याद करो विनय भी मारा फेरो और विनय भी कभी कभी याद करिया करो देविया ये मानुष जन्म का मौका है हाथ में से चला जाएगा और बार बार मानुष जन्म का मौका एक ही नार सजे श्रृंगार एक लावत प्रगर पानी एक ही नार बांधी बजाई कावत एक कावत से ठकरानी एक ही नार पीसो पीसे एक गोबर से पे चाच कटाई सीधी विद्याता विद्या सो मिटे नी तिल गटे ने बदे लाई आप री जेडी देवियां रोड़ा रे माथे कचरो चुक दिए आप ओ सुंदर सुंदर आप री जेडी देवियां रोड़ा रे माथे रेलवे स्टेशन माथे वे पीवनी बोतला में नी वे चुक रही है विना ने देख कर थाने में राग नहीं भेज रही हो विना ने देख कर थाने दुख नहीं लाग रही हो ये भगवान का भी शुक्रिया है आज माने इसी सुविधा की है मालिक मैं थाने एक सेकंड के लिए नहीं भूल सकता हूँ ठाकुर थारी असीम कृपा है मैं तो बहुत दुख लगती ना देविया ने देखो नहीं तो मैं कोटि कोटि भगवान ने प्रणाम करूं कि भगवान तूने कभी तो भूखा नहीं रखा तूने कभी प्यासा नहीं रखा और तूने कभी लोफरवाई नहीं की अगर भगवान अगर लोफरवाई कर देता तो आज यहाँ नहीं बैठता भाई साहब कहता हॉस्पिटल में जाता ये कहता कटई भगवान की असीम कृपा है अपन ने अच्छी जगह बैठा दिया पहली तो मानुष जन्म दुर्लभ है और फिर भी मानुष जब मिलगी और अच्छा संतर और संग नहीं करियो तो फिर जीवन अधूरा है और अच्छा संतर और सत्संग मिलन भी अपा सत्संग नहीं लागानी तो अपने जीवन भी बेकार क्या करोगे मानुष जन्म का ही रस्ते मर गांव रे में बारे कथा चलती बाप जी देना राम जी एक माता जी सुनने को कथा आया था जरा देना राम जी कुबा का तीन गए बातचीत कर रही थी और सिर्फ एक गांव का दो चार बच्चा गाड़ी लेना है छोटा बच्चा 17-18 साल का और थोड़ी सी जाता ही टक्कर लगी और वे माताजी बेनर आगे नीचे पड़िया और हॉस्पिटल में लेगा जोधपुर लेगा तो उसका प्राण पंखे रूप उड़ गए मेरे प्रभु जी इतनी टाइम लगती है सास होता सब आस करे सास गिया पीछे कांडो रे कांडो धरती को धन बताई दियो मेले साथी पे बांधो रे गांडो आड़ोसी पड़ोसी आई खड़ा है कोई नहीं केवला राखो लाडो मजल की मजल पहुंचा दियो रे गई जान चलियो बे लाडो लाडो क्या बात है जिंदगी जी जाती है क्या बात है एक माता जी काले बाल का नाम के भाई सा थाने सच्ची बात पूछूं कहीं मैं बोलो पूछो माता जी तो था को सासों कटे हैं था को पीर कटे हैं और थे तुम्हारे पति देव की कर मरिया तो मैं क्यों माता जी मैं तो मरिया जो मरिया थे ही मर जाओ मैं तो मरिया जो मरिया तब थोड़ी मैं क्यों एफडी पाकोड़ी थोड़ी फिक्स डिपॉजिट अरे संतों के पास में तो मैं भगवान की बात पूछो और वो तो मैं तो बता ही देती हूँ मैं वे साधु नहीं हाँ मैं पाखंड नहीं हाँ कि भाई मैं छिपावन में बतावा मैं बिल्कुल जब भी सत्संग में जाती हूँ तो मेरी जन्म भूमि बताती हूँ मेरी कर्म भूमि बताती हूँ और मैं कितना दुख देखा वो भी मैं बताती हूँ मैं जिंदगी में ऐसी भोज करने वास्ते साधु नहीं बढ़िया मैं जिंदगी में भोजन जीवन वास्ते साधु नहीं बढ़िया मैं पैसा इकट्ठा करने वास्ते साधु नहीं बढ़िया मैं भजन के लिए साधु बनाता अगर आप एक रुपया भी दोगे तो सुखे अंत लगा देंगे और नहीं दोगे तो कभी आपसे मांगेंगे नहीं मेरे प्रभु वो अपना आप ठाकुर पूरा करेगा और नहीं विश्वास है तो गणेश वैसा को पूछ लो जहाँ मैं रहती थी आके गए उनको पूछ लो तो जिंदगी में लक्ष्मी जी मारो एक ही कहो है कि शरीर में खर्चो कम करो ये मंगलसूत्र ये चेदान ये तुशियान ये आडान लटकाओ नहीं तो मरिया भजे ठोर जी इनमें से रही हाँ सती को नहीं चलो मरिया भजे ये हो जीवन होना में ही चेक अरे मुकड़ा क्या देख के दर्पण में तेरे दया भंगन नहीं मन में मुकड़ा क्या देख के दर्पण में वो शरीर तो गटर गया भी तो है भाई साहब गटर दोनों साफ भेजा
गटर गणो गंदो वेनी तो इन महीने दो चार बाल्टी पानी ढोड़ानी तो गटर साफ हो जाता है। हमारा शरीर गटर से भी किया पीता है, जैसे सोनारी फैक्ट्री, चांदी की फैक्ट्री, गुल्डी फैक्ट्री वेनी, जिन तरह शरीर गंदगी की फैक्ट्री है। आंखिया में देखो, मुंडा में देखो, कान में देखो, छी मैंने कूट कूट गंदगी भरी है। माते पाले स्तर कर दियो भगवान, रिपेयरिंग कर दियो। भाई साहब भूल रहा है ना, भाभी साहब भूल रहा है, कार भूदार भूल रहा है, मैं तो कोरो भिंगार वीडियो है। भूल तो जल्दी नहीं, इन हाथों दान पुण्य करो, इन पगों इन गायरी सेवा करो, इन कानों पत्ता सुनो और इन माताओं के भी संतान नीचा लूड़ो तो गणे बूंदा होनी तो दुनिया आपकी दुनिया में जे जे कार रह जाई और गणे फूट रहा होनी तो एक दिन बाल जाल मुट्ठी भरी राखी राख बना देगा। कोई काम धन्यवाद नहीं है इन सुंदरता के पीछे, खान पान के पीछे बिल्कुल सादगी में जियो। सच्ची बताओ, मैं कभी जाऊं नहीं, मारा कपड़ा फाटो ना गया, दिशाओं में जियो। एक दिन मैं हवाई जहाज में बैठी थी तो मैंने एक दिन पूछो भाई साहब की एजुकेशन क्या है, तो मैं क्यों राज विरोही थे। अब एजुकेशन की लेके मने ठाकुर ने बच्च में पूछो भाया मैं क्यों यूं क्यों गयो कि ना स्कूल जी लगे तो कहे तो भाई साहब खाने पूछो थे पढ़िया लिखिया कीता हूं ये भाया मैं क्यों मार बाप स्कूल नहीं बड़ाई बने मारा पिताजी मैंने स्कूल नहीं बताई लेकिन माता पिता गुरु के चरण जो श्रद्धा से छुए चार धाम फिर फल पावे वो देते दिल से आशीष तो भगवान से भी खाली नहीं जावे। मेरा बाप की आशीर्वाद मेरे साथ में है, मेरी माँ की संस्कार मेरे साथ में है। आज मैं देश में जाऊँ चाहे बिसौल में जाऊँ और हमेशा मुझे जीवन में आनंद ही आनंद रहता है साहब। तो जीवन में गाय हम भारतीय नारी है देवियाँ, तुलसीदास से शादी करी ना, पत्नी सुंदर बहुत थी, शादी कर लो पत्नी पीर में की, तुलसीदास की एक दिन नहीं रह सकिया और वापिस से मिलने वास्ते किया चतुर्मास टाइम था। नंदी भेरी थी और नंदी ने मैंने मरियोड़ो मुड़दो मुड़ियो जा रही हो तो अरविंद मुड़दार माथे बैठ और तुलसीदास की नंदी पार कर दी नंदी ऊपर देखियो मैल के नीचे हाथ लटक गयो काली निकार मरियोड़ो हाथ और तुलसीदास जी ने हाथ रे पकड़ ऊपर मेला में चढ़ गया। एक डेढ़ बजी और तुलसीदास जी की पत्नी की आंख खुली भूरी देखे कि अरे पति देव इतनी भयंकर बरसात पड़ रही है और इतनी आटा पाटा नंदियां बेर रही है, पति देव आप आया तो आया की कर के थारा पिताजी मारे न्याव भेजी तो आप मेले में की कर आया कि आपने रस्सी लटकाई और सुबह उठ देखिया तो वह हाफ लटक रही हो और नंदी ने किनारे किया तो मरियोड़ो मुड़ दो पड़ियो पड़ियो इतने बार तुलसीदास जी भूखियो पति देव धिकार है मैं ऐडा पति दी मतलब पत्नी वैडा भी मुझे धिकार है। तुलसी हे तहराम से इतना हरी से होई अरे चलिया जाता बेकूट में पला ना पकड़े कोई पति देव इतो मार चाम से प्रेम करियो नी इतो से राम प्रेम करियो वैको नी तो आज कल्याण हो जाए तो क्या बात है। और थारे जो तो एक दिन मार भाई नी बोलिए वैनी तो मैं थारला राई है मुझे छाती तो इस देख लियो भाई क्या बात है। अरे भाई कई टेंशन है नहीं बोले तो राजी रोनी कि आनंद आयो अब तो कई भजन करो नहीं भजन है करो थोड़ा नहीं बोलिया मेरी तो कह कहते ये हाथ जन्म ही धनी को मिल जाते कहते ये किस्मत है और कड़ी दो चार दिन हमारे हाथ रह गए नहीं गणेश में गिरता तो गरुण को देवी जी के कई महाराज बन जाओ नहीं आज वे महाराज आएगा कल वे महाराज आएगा धनाराम जी आएगा संतोष भाई आएगा कहते एड़ा किस्मत है पति महाराज बन जावे देविया पति ने महाराज बना दो शरीर महाराज हो कपड़ा नहीं कपड़ा तो बदलना में एक सेकंड लगता साहब दस मिनट लगता कपड़ा बदलना साधु बनना दस मिनट लगता है और जीवन में साधु का धारण करी पूरी जिंदगी बीत जाती है लेकिन साधु बनना मुश्किल हो जाता कर्तव्य ऋषि शादी करी और 36,000 वर्ष तपस्या करी साहब और जैसे ही आंख खुली और मन में विचार आयो कि आदमी ने शादी करनी चाहिए अगर साधु बनता अपा भजन कर अपनो कल्याण तो कर सका लेकिन बहन बेटी ने देश कुंड फेराई कोई संत आई तो बढ़िया भोजन कुंड खिलाई अगर कोई अतिथि आई तो इन्हीं आदर कुंड कर्तव्य ऋषि की शादी करनी चाहिए।
और भगवान कृष्ण प्रकट होगा। बोले दर्दम शादी करनी है कहीं? बोले ना रे बाल जी, ये शादी करने जी का पूछो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारे के साथी बंद करनी, भगवान ने बोला करदम अभी भी तूने सोचा शादी करनी पड़ेगी। भगवान का नाम ये क्या है? अंतर्यामी नाम है। जो आप अंदर से सोचते वो भी मेरा मालिक एंट्री कर लेते हैं। बोले शादी तो करनी पड़ेगी। बोले आप मैंने शादी करा लिया हो, आपकी इच्छा है तो मारो एक वचन पूरा करो तो मैं शादी करूँ। बोले कई वचन है कि जब मैं शादी करूंगी जब आप मारो बेटो बनना चाहिए। करदम ऋषि भगवान कृष्ण ने कही कियो कि मैं शादी करूँ तब आप मारो बेटो बन कर आओगा। पर ये सच्ची घटना है भाई साहब। भगवान कियो तथा यस्तु मनु महाराज ने जान कियो थारी छोरी रोटी भी है इन माता बिगड़ी रख। मनु महाराज ने जान कियो थारी छोरी बच्ची बड़ी भी है, एक मन में छोरो तपस्या करे वो एक मैच रेवे। इन माता पिता साथे नहीं है, वो चार चार घंटा माला में बैठो रेवे। और थारी इच्छा वे तो थारी बेटी की शादी सगाई बटे कर दे। देव बुद्धि आगे उनकी भी हुणियो क्यों मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। मारो पति परमात्मा रो वचन करे, मारो पति मन में एकलो बैठो और आज छोरियारी हगई करने जावा और माता और पिता दोनों बैठे बैठे बात करे के बच्चों बहुत अच्छो तो बच्चा रे लीलाड़ में तिलक निकालियो हो, बच्चा रे माथा रे मैंने चोटी थी, बच्चा रे गला रे मैंने बढ़िया रुद्राक्षी तुलसारी माला थी। तो आप बच्ची धीरे से मैंने सहेलिया ने कहे कि मारा मम्मी ने को नंबर डिलीट कर दो, वो बच्चों मैंने पसंद नहीं है। दूसरी छोर जावे के बच्चों तो घर तो ठीक हो लेकिन बच्चा रे गाड़ी बदलनी थी, बचारा आधा का बाल कटिंग था, बचारी जींस 10 जगहों फाटोड़ी थी। मने बच्चों पसंद कम तो बात छोड़ी भी ना सही लेने के मारी मम्मी ने मारे पापा ने कहो के ओ रिश्तो मने मंजूर है, मंजूर है। ये हमारी भारतीय बेटियां ये ऐसा हमारा संस्कार नहीं है। करदम ऋषि पहली छोरा छोरी ने देख मारो रिवाज तो, लेकिन पहली छोरा हा थोड़ा छोरिया ही घनी। अब छोरा रहेगा घड़ान छोरिया रहेगी थोड़ी। पहली बाप बेटी ने लेन जाता करते छोरा रहते हालो बेटा जमाई सा अगर पसंद कर दे तो रिश्तो तय बेचे। और वो छोरो के तो आप बच्ची मने पसंद नहीं है तो रिश्तो बने तो तय नहीं रहते। अब छोरिया जावे छोरा ने देख रहे छोरिया छोरा अब छोरिया ने देख रहे अबे छोरिया के देखो छोरो मने पसंद है तो रिश्तो ते भेजा और छोरिया के लड़को मने पसंद नहीं है तो रिश्तो खराब हो गया। इन टाइम करदम ऋषि मनु महाराज आपरी बेटी ने लेन गया जंगल महीने वनरे महीने। तो करदम ऋषि ये सच्ची घटना है बेटिया ध्यान दे सुन जो कि हमारी भारतीय बेटिया का संस्कार तो देखो। एक चादर ओढ़वाने थी एक चादर बिछावाने थी। करदम ऋषि ने एक नीचे वाली चादर काट अलग बिछा दी क्योंकि बाप ने बेटी आवता ने देखिया नहीं तो मन में सोचियो आया हुआ ने आदर देना हमारी भारतीय संस्कृति। अब देव बुद्धि मन में विचार करियो कि मैं तो इन्होंने पति समझ लिया और इनारा बिछाड़ो बिस्तर माते बैठू तो मर्यादा खत्म वे जाए और नी बैठू तो मारो पति रो अपमान वे जाए। जो दायो हाथ तो आप ऊपर रख दे और आप नीचे बैठ गई। आज भारतीय बेटियां बहुआ पति देवता घर में फिरता रहे और बाकी सब पीलंग रे माते हुरता रहे। वाह 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 वाह, ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है देवियां। कई बार घर में पति देवता फिरे अथे सोफा रे माते होती रहे हो। पर अगर आपकी तपी ठीक नहीं है तो ही एक बार पति मारो आवे नहीं तो गेट माते खड़ा रहे हो और आप कहीं खुश रहे हो और बाद में पति देवता के देवी मने ठाए तने बुखार आयो ना है आज थारी तबीयत ठीक नहीं है मने ठाए तू रेस्ट कर ले। अबे माथो नहीं दुखे रे पगी नहीं दुखे रे बुखार ही नहीं आयो रे वैसा बाप का चारू में देर में फिर भाभी सब के लगे माते होता दे गया। ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है देवियां। करदम ऋषि बहुत राजी दिया के छोरी सेवा करे जे वे तो दो ही बाप बेटी या पर के छोरी मने पसंद है। और करदम ऋषि दा बाल वदियोड़ा था दाढ़ी वदियोड़ी थी पैर पे कपड़ा भी नहीं था बिन बिन मतलब एक बच्चा ने बच्ची पसंद कर लिया। ये हमारी भारतीय संस्कृति थी।
बिन टेम ले तो दोई बा बेटी घरे गया परा भगवान कृष्ण जान करदम ऋषि ने कियो के फटाफट जाओ शादी कर अगर आ अगर रिश्ता टूट गो नहीं तो थाने दूजी लड़की कोई पसंद नहीं करेगा। करदम ऋषि शादी करने किया हाथ में कमंडल ले लियो और मत ठंडा माते दोज बा एक साल मेघ भी और शादी करने किया ना तो टूरा ना बादड़ा और ना बरात ना कोई ढोल ना कोई बल कुछ भी नहीं। अबे पूरो गांव देखन आयो बिंद्रा जावे जब देखन आवे बिनते पूरो गांव देखन आयो और जाइन देवभूति ने क्यों देवभूति थारा करम तो फूटा इतरो को जो पति थारो बिनते वाक्यो देवियां जो शरीर की परीक्षा करता है वो अगला जन्म में चमार होता है कि उन फूटों को ढूंढो इस आत्मा की परीक्षा करो ये आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है। जो आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है वो शरीर को कभी नहीं देखता है। बिनते करदम ऋषि शादी कर और अपनी देवी ने लेना है वन में और क्यों देवी मैं 5 मिनट कीर्तन में बैठ जाऊं तू ने झोपड़ी की सफाई कर ले कटे हापरा बीटा कटे चिड़िया का घोंसला का कटे ऊंदरा का बिल ये 5 मिनट के वास्ते बेटा देनिया और 40-40 समाधि लागी 40 साल और थारे छोरी ने थे पनाओ थारी बू अगर घर आवे अटे और छोरा रे बेचारा रे पढ़ाई रे साल कर ली के मारो बच्चो कोटा में पढ़ने जाए मारो बच्चो जयपुर में पढ़ाई करे तो थे अगर आगला हाउ जी ने कई के हो के थारो छोरो पढ़ने जावे नहीं तो मारी छोरी नहीं तो पापा ने भेजू जो घरे भेज दो कई के हो पावना बारे भी ना घर आई नहीं जने मैं पाची मारी बच्ची ने ये हमारी भारतीय संस्कृति लिए देविया बच्ची री शादी करना रे बाद में एक महीना भी बच्ची को बिहार में मत रखो आवे जाओ बेटा 10 दिन 15 दिन हो गए जाओ बेटा अभी ससुराल में जाओ अगर ज्यादा बेटी ससुराल में रही नहीं तो भी न परिवार के साथे भी न प्रेम बढ़ जाई और भी नी जेजे कार दे जाई और थारा भी लोग नौर खाते नहीं ये वारे वार क्या बेटी जन्म दी है वो कभी पीहर में 6-6 महीना थे बेटे ने पीर में राख दो अरे खुली फिरे और पछे बटे बापरी हाउ थोड़ो सो काम घोड़ावे बीननी थोड़ा बेगा उठो बीननी थोड़ो काम करो तो फाचिया गोद करे मम्मी मारा हाउ जी नागा गणा अरे नागा और बदमाश नेता तो 25 साल थारा पति की सेवा की कर करती 25 साल रात में देखिए नहीं जेट में हुता पैसा रुपए ना रे भगत बीच गयो भगरी जी बाकी नच पैसा बिना करे में हुता बच्चारी तपी ठीक नहीं थी कोई अड़ो वे नहीं करात पर बच्चों रोवे सुबह हसन हमें भी भरम में देख ली 4 बजे तक वो बच्चों रोयो अरे क्या माँ की ममता होती है साहब पूरी रात वो बच्ची बच्चों को इधर ले रहा उधर ले रहा और मतलब बार बार सोजा बेटा और नानी जी भी पहाड़े जागती दिया अरे माँ की क्या ममता होती है देविया। मैं 4 बजे उठी और मैंने बोला ठाकुर ये रात का भी बच्चा रो रहा मैंने बोला बेटा हमेशा ही रोता है बोले नहीं भाई साहब आज वो कल इन्हें जुकाम लागो मैं सच्ची बताऊं ठाकुर ने प्रार्थना करी और रिजल्ट ठाकुर जो पाकड़ी लेनी बच्चा रमाते घुमाई मैंने बोला ठाकुर ये रात की परेशान हो रही बच्ची आप ऐसे क्या कर रहे मालिक वो बच्चा सो गया 1-2 घंटा आराम से सो गया था माँ पूरी रात जागती रह जाती है। जब बेटा ने जन्म दे और 25-30 सालों में नहीं जितने माँ की ममता इतनी बेटा के प्रति होती है ये देवियां शादी करन जावे बेटियां और साल भर वे इनके मारे नहीं बने के माँ की न्यारे कर हमारी बेटी ने न्यारी कर दिया शर्म आनी चाहिए। अरे कम से कम कोई दा पति ने 20 साल का कर्म दीदा कोई दा पति ने 25 साल का कर्म दीदा कोई दा पति ने 30-30 साल का मां कर्म दीदा तो कम से कम जीती थारी पतिया री सेवा करी नी जीती तो थे सासू री सेवा कर लो ई तो तो रिश्तो नी पालो देनिया 40 साल का कर्म ऋषि 40 साल की समाधि 40 साल बाद में आंख खुली और मुगे ने पूछे बुढ़िया तू कौन है आई कहो दुदे ते कह अब आज मारा पैसा था ना आई क्यों है के बुढ़िया तू कौन है तो के थोड़ा दिमाग खराब हो के हॉस्पिटल जाओ करा हां अरे जान पूछो पैसा हो और क्या क्या हां दुदे ने पूछो तू कौन है तू पूछो तो मैं बार बार मुझे तो के थोड़ा स्कूल दिला के हॉस्पिटल जाओ करा आप कुछ हो रहा है कर्तव्य ऋषि ये पूछो बुढ़िया तू कौन है
कि प्रभु जी मैं अपनी पत्नी हूँ, कि मैं शादी कभी करी, कि आज जो 40 साल पहले आप शादी करी, कि मैं 40 साल पहले शादी करी तो तू यहाँ क्या कर रही थी, कि आप भजन करिए, शांति आप भजन करिए, मैं अपनी सेवा कर रही थी। गर्दन ऋषि बहुत राजी दिया, तुम्हारी पत्नी नहीं है। पत्नी तीन प्रकार की है, एक तो वह पत्नी रे, पूरा परिवार वाले कदी भैया भैया में लड़ाई नहीं रहूंगी। एक तो वहाँ के देखो पति देव है, थारा माता पिता की सेवा नहीं करोला तो थारी औलाद थारी सेवा नहीं करेगा, थारी बहन ने अच्छो बेस नहीं देवला तो थारो बेटो थारी छोरी ने बेस नहीं देगा। पत्नी और एक में धर्म पत्नी, पति देव पूरी जिंदगी बढ़त कमाओ जो कमायो हो, और भी लोग कमाए थे कटी तीर्थ में नहीं जाओला, कटी गौशाला में नहीं दोला, कटी संतान चरण में 5 रुपया भेंट नहीं करोला, कटी गाया कबूतरों की कीड़िया की सेवा नहीं करोला, कदी बहन बेटी ने नहीं दोला नहीं तो थारो कमाई लो कोई काम। धर्म पत्नी और धर्म में सहयोग करती है। और तीसरी है बेटम, खेलो खाक में गाल दे, ऊंची है जरा चप्पल पहन दे, पैसा तो लाल लारे ने बाबी सा आगे आगे, ये हमारी भारतीय संस्कृति ने दे दिया। गर्दन ऋषि बहुत राजी है, वो देवी थारी इच्छा कही है कि भगवान कृष्ण वरदान मांगे वो पूरो करो, तो दोनों जना जाए सरोवर में स्नान की दो। देवपति तो 16 साल की कन्या बन गई, गर्दन ऋषि 20 साल का बच्चा बन गया, इन्हें संसार जीवन से निकलिया। थोड़ी शांति, 20 साल का बच्चा बन गया और दोनों धड़ी दुबई यात्रा में निकलिया। पहली तो 9 बेटियां भी जो को ब्रह्मा विष्णु महेश के 6 मीनारा टावर पीता वे मीनारी छोरिया थी, और 10वां कपिल होता वे भगवान कृष्ण का प्रकट किया, जे बोले कपिल भगवान ने किया। मैंने तुम्हारे आजकल छोरा छोरी है ना, कटी थोड़ो सो लीलक लीलाड़ में तिलक निकाल दियो रे बच्चा, देख के कटी मार हिंकर आगे पड़ जावे तो ए बेटा लीलन में लीलाड़ में तिलक निकाल तो माँ घर जावे के तू भाई महाराज बनी कहीं के छोड़ो बच्चो अगर होयो वैसे ए छोरा चुप रहे थाने बाबू खाई जाई के बापड़ा छोरा भगवान दौड़ा देखे तो दौड़े लगे बाबू खाओ नहीं चाहिए। देविया बच्चा ने साधु बनाओ, अरे किन्ने साधु बनाओ, एक बेटा ने एक बेटी ने जन्म दियो, एक बेटा ने जन्म दियो, थारे कने पैसा है ते अच्छी जगह विदेश में पढ़ने भेज दियो, और वो बच्चों बटे विदेश में जाए तो छोकरी के चक्कर में पड़ गो और बटे शादी कर ली तो कौन अंतिम समय आपने पानी दे, कौन अंतिम समय थारा मतलब कोई काम करी, दो दो चार चार छोकरे ने जन्म दो और थारो नी हम्बे नी तो माने दे दो मैं बढ़िया साधु बना। एक बेटो है और कई बार ऐसा होता है एक एक बच्चो है, अरे एक बच्चो भी भगवान ने प्यारो वेगो, अरे सत्ता फुटा भी खोज, एक दो बच्चा ने जन्म दो, दो चार छोकरिया ने जन्म दो। सीता जी मन में गया नहीं, राजा जनक मिलने गया, राजा जनक री आंख में आंसू आया कि मारी एकाएक बेटी थी और जिन्हें आगे ला रहे नौकर रहता, आज मारी बेटी के पगों में चप्पल भी कोनी, लेकिन राजा जनक पाचा हसिया बिन टेम सीता जी के पिताजी लोया जी को तो मैंने कारण मालूम है कि मैंने तकलीफ है वास्ते आप रो लिया हो, लेकिन हंसी किन बात रही है आपने कि बेटा मैंने खुशी किन बात रही है कि आज तुमने नहीं मिलती नहीं तुम्हारो अमर दुनिया में मैंने पूर्ण जान पर सीता हारे पीछे हमारी दुनिया में जय जयकार हो रही है। आखिरी बेटिया पुत्री रक्षा खुद करो, बच्चा ने टेम दो, देविया बच्चों कटी नहीं रहे, आप 50-50 हजार मोबाइल बच्चे ने दिलाई दो, आप 10-10 हजार बच्चा ने बच्चे ने मोबाइल दिलाई दो, आप मीना मीनो बच्चा बच्चे का मोबाइल चेक करो, एक महीना के बाद में हर महीना में बच्ची का मोबाइल चेक करो, अगर इन्हें जैसे देवानी मोबाइल दीजिए बेटा भाई ना आपने ठानी पड़े तो इन्हें पिताजी ने कहो तो भाई ने कहो कि थारी बहन रो मोबाइल चेक कर, एक मिनट बेटा थारो मोबाइल दीजिए भाई एकदम पकड़ाई लो मम्मी, सोच लेना अभी तक मेरा बच्चा रस्ते पे चल रहा है और 1-2 महीना बाद में मोबाइल मांगा नहीं तो वह मरिया ही मोबाइल अपने एक डायरेक्ट नहीं दे, एक घंटों तक इन मोबाइल का महीने जाने पूरी पाकिस्तानी पूरी एजेंसी मोबाइल ही भरी है।
ज्यादा बेचे ने मोबाइल मत दो, बच्चा ने टेम दो, बच्चा ने टेम नहीं दो लानी तो समाज की दुर्दशा हो रही है। आज कई बार है ना बच्चा बेचारा होता रहे 8 बजे तक जीतो तो भाई जी जा प्रो कमाऊ ने पांचों बच्चों हुए 10 बजे जीते बाप घर आवे तो एक दिन छुट्टी थी घर में फिरे पिताजी तो वह माँ ने पूछे वो बेटो पूछे कि मम्मी ये कौन है जो बेटा तारा पांबा है। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, इन वास्ते आप है नी माया होनी। मैं साधु नहीं बनती सही बताऊं, मैं 14 साल की छोकरी थी, मारी जीवन की घटना आपने बता दो, मारी जन्मभूमि बिखर लई दी है, मारी जन्मभूमि बिखर लई दी है, मारी कर्म भूमि मादारी है और जो को मादा वाला पैसा है नी वे 18 छे काड़ू जी ने केस दी ए काड़ू जी करू बहुत अच्छा मारे बहुत अच्छा था मामो साल बोले अब तो पैसे ही बोलू बहुत अच्छा ठेठ हुई और मैं 1 महीना 7 दिन सबक देख लो शरीर भी नौ रुपए का महीनो मतलब 6 महीना 12 महीना विया वेला मने ध्यान को नहीं मरिया पचे 10 दिन पचे उल्टा उल्टा समाचार आया के भूर्ती रो बेटो रमेश मरिया ने 10 दिन देगा माने खाई को मैं लाल गुलाबी कपड़ा पहनू मने ध्यान ही को नहीं मैं लास्ट रो भी मुंडो देखियो नहीं देखियो मैं 14 साल की छोकरी थी और अगर मैं जाऊँ तो जाऊँ करके मारा माता जी पिता जी ने शरणों ले लियो मारा माता पिता बड़ा संस्कारी था लेकिन मारे भाग्य में अड़े लिखे और अठारह की नहीं दोस्त नहीं तो मारे किस्मत अड़े की दौड़ा था और मारे बाकर में माता जी अड़ा था अठारह से तो भाई सा था नहीं था ये जूती भी जगह भी मने नहीं दी थी जूती रखू अटे तू बैठ जा अटे भी वहां जाता मने तुम्हारे पिताजी क्यों बेटा जी तो तू पढ़ी लिखी भी नहीं है और तने कोई सिलाई भी नहीं आती ऐसा के प्रवचन आज गणेश भगवान के स्थापना दिवस के वार्षिक उत्सव पर खेतेश्वर वाटिका में बता रहे हैं और पास में प्रवचन हो रहे हैं भाईसा के और देखिए इनके सौभाग्य देखिए इन कबूतरों के बीच में इतने बड़े बड़े संत कल ध्यानाराम जी महाराज पर रहे आज भाईसा पता रहे और पूरे गांव को भोजन की व्यवस्था है। वारे मेरे भगवान वाह क्या बात है। कि हमारी ऊंची पुण है हमारा आज रोहित पुण है ना भगवान भी प्रणाम करते थे हमको। आज हमारी कई बेचारी दुर्दशा हो रही है क्या गलती है उनकी गलती माँ और बाप की है। शुरू से अगर ज्ञान भटका होता तो आज हमारी समाज की बच्चियाँ ये दुर्दशा होती और जो हुई अब अपनी रक्षा खुद करो कभी भाला भी रख लो कभी हाथ में तलवार भी रख लो और एक बड़ी जगह पे जटे शमशान भूमि थी ससुराल वाले के मैं भी नहीं रहता बड़ी जवानी थी माता पिता के पास 25-30 साल उम्र थी भाई आज का इनकर आ जाओ ये गेट वाले ले आज ये गेट उठ गया जटे रात रात कुत्तों भी भाई सा मार रहे हैं समसान भूमि कले थी तीरा और काटा आधा ले बैठ की अब एक बार कभी वो को मिले नहीं तो एक बार हरी कृपा आश्रम भी चले तो पदार्थ जो दो चार चीजें उन्हें देखकर लाइक है एक तो पेड़ पौधा और दूसरा पंछी आज भी बहुत मेहनत करती हो जिंदगी में कभी घर पे आया नहीं और पूरी रात को सूती ले मेरी जिंदगी 60 साल की उम्र से मेरे मन में भी रह गई कि मैं भी कभी घर पेट के भोजन पालो कि भोजन पाऊंगी तो नींद आ जाएगी और नींद आएगी तो ये काकड़ है ये जैसा पूरा जंगल है ऐसा आश्रम का अगर नींद में तो क्या क्या हो सकता है कोई आ भी सकता है कोई माथा भी उठा सकता है पूरी जिंदगी में कष्ट देगा लेकिन आज समाज ने भी गर्व है और मन भी गर्व है कि परमात्मा मेरी रक्षा कौन की थी मेरा ठाकुर रक्षा करी और मेरा माँ बाप के संस्कार ऐसा था कि वहाँ से बेटियाँ अपनी रक्षा आप खुद करो चलो और आप देवयानी जितना चाहिए चली जितनी चार जोड़ी का गड़ा पेट है मेरे पास आप बोला नहीं ये देखिए पूरे गांव को भोजन का कार्यक्रम है। ये सब प्रभु की मेहरबानी है। गणेश महाराज के स्थापना दिवस वार्षिक उत्सव का दिन है आज और ये देखिए पूरा गांव यहां पर भोजन लेगा। ये देखिए किस प्रकार से प्रसाद ग्रहण करेंगे बच्चे और पूरा गांव ही यहां पर प्रसाद ग्रहण करेगा। कितनी बड़ी बात है कितनी ज़बरदस्त मेहरबानी है भगवान की। बहुत बढ़िया जय हो जय हो जय हो धन्यवाद। एक पुलिस
25 आदमी आ जा खाली तो मैं अकेली भोजन बनाई जमाई तो और एक रोटी ऐसी बनो जो 10 जनन की बनो सही बात पर विश्वास नहीं रहता तो जी बनाई थी कदे आलसो नहीं बनया दौड़ सको तो चलो मती चल सको तो बैठो मती बैठ सको तो लेटो मती और लेट सको तो सोवो मती जितो प्लॉट मोटो वे नी इतो मकान मोटो नी वे जितो मकान मोटो वे नी इतो दरवाजो मोटो नी वे जितो दरवाजो मोटो वे नी इतो लॉक मोटो नी वे और जितो लॉक मोटो वे नी इती चाबी मोटी नी रे देवी आलसु मती बनो बीमारियां लगाई दी शरीर आलसु बन बन दो दो चार चार घंटा हुती रहो आप जिंदगी में कभी बीमारी भोजन श्रेष्ठ बना दो एक बात कह के मेरी वाणी को विराम मैंने बहुत दूर जाना है दो चार दिन रोज को भी है भोजन ने श्रेष्ठ बना दो विषम पिता बाणा में तो होता नहीं बीन टाइम अर्जुन ने बुलायो अर्जुन आज अभी मेरा शरीर छूट रहा है और चार प्रकार की थाली जो भोजन तू कदी मती कर दुनिया ने कह जो थी मती कर जो बोले कौन सो पिताजी के पहली थाली पुरुष थाली ने ठोकर लाग जा कई बार लागे नी तो पकड़ कर प्रणाम कर वो भोजन जीवन पाछो चालू दादा जिंदगी में मती जीवन वो भोजन कीचड़ के समान हो जाता है वो भोजन ले जाकर कुत्ते को डाल दूसरी थाली पुर से और थाली रे मैंने लांगन जापर लाख कई बार बच्चा ठाके वो भोजन गंदगी के समान हो जाता है वो भोजन कभी ना पति को खिलाओ ना बच्चे को खिलाओ ना आप खाओ वो ले जाके वापिस कुत्ते और कौवे को डाल दो गैया को भी मत तीसरी थाली फूर से और थाली में बाल आई जा अब कम एक दीवार तो आता ही जो इन भैया भाई अटे नहीं बोला क्यों कहीं ना भाई साहब तो बात जाए मान लीजिए अटे नहीं बोले भैया नहीं इधर आओ एक छोकरो तो बड़ो बदमाश तो हमारी गोदी में बैठा मैंने बोला बेटा बहुत बदमाश तो छोड़ बेटो धारे ही करे तो वहाँ मार हूँ धूपी भाई साहब छोड़ मन नहीं धारे मैं गोदी में बैठा मेरे बेटा क्यों मस्ती करे तने किनू डर आवे बोले बाबजी मैंने एक जनो डर आवे मैं क्यों किनू आवे कि मन मारे पापा हूँ डर आवे मैं कि थारा पापा किनू डरे कि मारी मम्मी हूँ डरे चौथी थाली जो गरीब बाल आई जब इसकी आवाज इतनी बंद तीसरी थाली पुरुषम थाली में बाल आई जावे वो बाल गरीबी को निमंत्रण देता है आदमी दिन दिन कमाई तो 5 रुपया जाए 500 रुपया बिने फालतू अच्छी जगह नहीं गलत जगह चौथी थाली पुरुष है और पति देवता जिम ने बैठे और स्त्री घर में चारू मेर रिया बल्कि घूमे तो पति देवता के देवी थार कई गुस्सो क्यों आयो या पूरी जिंदगी में थार लार छाती को तो कभी ने कभी होली दिवाली के मैंने बेड़ी रोटी नहीं खवाड़ी के तो पति देवता कहे अबे तो एक इंच गवलियो बेड़ी बैठ जा पति और पत्नी दोनों एक थाली में भोजन करता है वो भोजन मदिरा के समान हो जाता है नवी नवी बीनिया कभी पतिया रे हाथे भोजन मती कर जो मारो भगवान भलो करे मारो अमर सवा करनी चाहो अखंड स्वाद रेड़ी चाहो तो पति रे थारे बीच में प्रेम है तो पति जी में नहीं बिन छूटी थाली में थे भोजन करो वो भोजन आपके लिए महाप्रसाद बन जाता है और वो इसलिए हमेशा अखंड स्वागत रहती है और जब तक बेटी कमारी है बेटी कमारी है जिते अपनी छोटी बेटी ने पिता ने साथे भोजन खिलाड़ो थी जे इन बाप री कदई अकाल मृत्यु नहीं होती है इन वास्ते देवियां भारत में 16 संस्कार था 16 भी संस्कार था जब भारतीय नारियां घर में रहती नहीं जब तो इंद्री कुलिया रेजी रहती और बाहर जाती नहीं जब मेली पीछे भी बाहर जाती नहीं अबे भारतीय बेटियां घर में रहने नहीं हुआ जन जाने 6 महीना नहीं मान दी यही चाहिए हॉस्पिटल में अमीज लगाई है ना बाहर जावे नहीं जन लेडी सज सजन जावे बेटा कटू ही लेन आवे भाई क्यों बोल ला जावे ना हर मामा चाहिए देखो कि जीव लग रहा है माता काला कर देना है घर में श्रृंगार करो कितनी बजे 5 बजे जब पति पति घर में आओ नहीं पति घर आए नहीं कितने मित्रों श्रृंगार करो मित्रों श्रृंगार करो पति सोचे कि मेरी जैसी पत्नी तो दुनिया में किसी की घर में आए नहीं घर तो जाने घर में दर माता तब रख दियो अरे बाहर जाओ तो पाउडर लगा रहे थोड़ी जेजू में लोग तो खराब है हमारी भारतीय संस्कृति है देवियां 16 संस्कार का जब बच्चों घर में आते नहीं तो पहले इन्हें गौशाला में ले जाता इन्हें गायों की ढूंढते नहीं अच्छा वे सिरवा पर लेता ताकि इन्हें बुद्धि तेज
और भी ने मतलब जीव रवा के ओम नाम लिखता अब वैसीजा सब कीपरी और संस्कार में एक संस्कार बाकी दियो है वो अंतिम संस्कार 15 समापक रहेगा संस्कार नाम की कोई चीज कई बार आवे और मिल ले दे दिया और बारे में जरा 20 मिनट की सुंदर आवाज।